हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको आपके ई कॉमर्स वेबसाइट में एमएलएम फंक्शन आप किस तरीके से वर्डप्रेस एंड वू कॉमर्स अफिलिएट प्लगइन का यूज करके इनेबल कर सकते हो ये सिखाऊंगा। हमने ऑलरेडी एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, इसलिए हम प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अब हमें एक प्लगइन डाउनलोड कर लेना है, तो चलिए हम प्लगइन डाउनलोड करते हैं। प्लगइन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है MAKAZ मकाज। आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगा makaz.in, उस पर आपको क्लिक करना है। मैं इसका डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हो। फ्रेंड्स आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको वर्डप्रेस के बहुत से प्रीमियम प्लगइन एंड थीम्स मिल जाएंगे। अगर कोई प्लगइन एंड थीम आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आप यहाँ चैट सपोर्ट पे उस प्लगइन के बारे में पूछ सकते हो, आपको वो प्लगइन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी प्लगइन एंड थीम बाय करते हो तो आपको लाइफ टाइम अपडेट मिलेंगे, साथ ही आपको टेक सपोर्ट भी मिलेगा। टेक सपोर्ट के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है, या फिर आप यहां से व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैंने जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए थीम का यूज किया है, आप वो थीम भी यहां से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका प्राइस यहां पे ₹199 है। आप इस वेबसाइट से कोई भी प्रीमियम थीम सिर्फ ₹199 में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम वर्डप्रेस एंड वू कॉमर्स एफिलिएट प्लगइन को डाउनलोड कर लेते हैं। प्लगइन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में आपको ये प्लगइन शो होगा। इसका प्राइस ₹299 है। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए अब हम अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पर चलते हैं। यहाँ से आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपने जो प्लगइन डाउनलोड किया है उसे सेलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अब आपको प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपको प्लगइन एक्टिवेट कर लेना है। फ्रेंड्स प्लगइन एक्टिवेट हो जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको WP एंड WC एफिलिएट का मेन्यू दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने वर्डप्रेस एंड वू कॉमर्स एफिलिएट प्रोग्राम का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड ओवरव्यू का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आप एफिलिएट्स के अर्निंग एंड कमीशंस वगैरह की इंफॉर्मेशन देख पाओगे। उसके बाद आपको यहां पे एफिलिएट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहां पे आप अपने सारे एफिलिएट्स की डिटेल्स वगैरह देख पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कमीशन सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। पहले आपको यहाँ पे कमीशन बेस्ड का ऑप्शन मिलता है, इसका मतलब है आप कमीशन किसके ऊपर देना चाहते हो, प्रोडक्ट या यूजर्स पे। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कमीशन फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, मीन्स आप जो कमीशन है वो परसेंटेज में देना चाहते हो या फिक्स प्राइस देना चाहते हो। यहाँ पे हम इसे परसेंटेज ही रहने देंगे। यहाँ पे आपको कमीशन पर प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट का इंडिविजुअली अलग कमीशन सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कमीशन पर कैटेगरी मिलता है, अगर आप किसी कैटेगरी में अलग कमीशन देना चाहते हो तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर पाओगे। हम इन सभी को अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम MLM सेटिंग्स को देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको एक MLM का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको MLM को एक्टिवेट कर लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको MLM टाइप सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, बाइनरी, फोर्स मैट्रिक्स, यूनिलेवल एंड अनलिमिटेड। हम यहाँ पे बाइनरी सेलेक्ट कर लेंगे। अपने MLM प्लान में जितने लेबल्स रखना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे 3 लेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा।
अब आपको यहाँ पे कमीशन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मीन्स कि आप हर एक प्रोडक्ट पे डिफॉल्ट कितना कमीशन देना चाहते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे 10% कर देता हूँ और उसके बाद जो फर्स्ट लेवल पे जो कमीशन होगा वो कमीशन हम यहाँ पे 9% कर देंगे और 8% एंड 7%। अब हम यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स हमने MLM की सेटिंग कर ली है तो चलिए मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स मैंने वेबसाइट को नए टैब पर खोल लिया है। अब हम यहाँ पे माय अकाउंट में क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स ये जो माय अकाउंट है WooCommerce का माय अकाउंट है। ये प्लगइन WooCommerce के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। अभी हमने कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया इसलिए हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हम डाल देते हैं amit@gmail.com। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे, दोबारा डाल देते हैं पासवर्ड और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। आपको WooCommerce के डैशबोर्ड पे यहाँ पे एफिलिएट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके यूजर के सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका यूजर रेफरल्स अर्निंग वगैरह देख सकता है। मैं आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे कमीशन सेक्शन में आपका यूजर कमीशन की डिटेल्स वगैरह देख सकता है और यहाँ पे आपके यूजर को एक अफिलिएट टूल्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आपका यूजर किसी को अगर अपने नीचे ज्वाइन करवाना चाहता है तो अपने लिए लिंक क्रिएट कर सकता है। लिंक क्रिएट करने के लिए आपके यूजर को यहाँ पे जनरेट लिंक पर क्लिक करना होगा, उसका रेफर लिंक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स, प्रोफाइल, पे आउट्स वगैरह की डिटेल्स आपका यूजर इजिली यहाँ से देख सकता है। उसके बाद आपके यूजर को यहाँ पे एक MLM का ऑप्शन मिलता है। चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यूजर MLM प्लान और उसे कितने नंबर ऑफ चाइल्ड अपने नीचे ज्वाइन करवाना होगा कमीशन स्टार्ट करने के लिए और बाकी दूसरी डिटेल्स भी यहाँ से वो देख सकता है। यहाँ 100 MLM चैन पे जब वो क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पे MLM का ट्री उसको शो होने लगेगा। यहाँ पे अभी अमित के नीचे कोई भी नहीं है तो इसे सिर्फ अमित का शो हो रहा है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हम अपना अफिलिएट लिंक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक पर क्लिक करेंगे और एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम कॉपी लिंक पेस्ट कर देंगे, हमने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ से एक प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। चलिए हम ये फोन बाय करते हैं, चेकआउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बिलिंग डिटेल्स फिल कर देते हैं। फ्रेंड्स हमने बिलिंग डिटेल्स फिल कर दिया है। इसके बाद हम टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करेंगे एंड प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो चलिए अब हम अपने यूजर डैशबोर्ड पे चलते हैं जिसका लिंक हमने यूज किया है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ ओवरव्यू पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ कमीशन हमें शो होने लग गया है। ये कमीशन हमारे वॉलेट में भी है और अब हम यहाँ पे स्क्रोल डाउन करेंगे और MLM पे क्लिक करेंगे। यहाँ शो MLM चैन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे MLM चार्ट में भी अमित वहीं शो होने लग गया है जिसको अमित ने रेफर किया था। फ्रेंड्स इस प्लगइन में और भी बहुत सारे दूसरे फीचर्स हैं जिसको मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर फ्रेंड्स आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर जब आप इस प्लगइन को बाय करोगे तो आपको अपने एडमिन डैशबोर्ड पे एक डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्लगइन का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। यहाँ से आप इस प्लगइन की सेटिंग्स के बारे में और फीचर्स के बारे में डिटेल से समझ सकते हो। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।